सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में दबाएं इस घंटे को हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको झारखंड के धनबाद जिला की कुछ खास बातों के बारे में आपके साथ एक छोटी सी जानकारी शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक शेयर और नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धनबाद जिला झारखंड का एक ऐसा जिला है जो पूर्वी भारत के झारखंड राज्य में स्थित झारखंड के 24 जिलों में से एक धनबाद जिला के नाम से जाना जाता है। धनबाद जिला झारखंड के पूर्व भाग की ओर का जिला कहलाता है, जिस वजह से धनबाद जिला के पूर्व से दक्षिण की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से मिलती है। इस जिले का हेडक्वार्टर धनबाद शहर में मौजूद है और धनबाद जिला उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है। धनबाद जिला के पड़ोसी जिला का नाम बोकारो जिला, गिरिडीह जिला, जामताड़ा जिला, पश्चिम बंगाल का वर्धमान जिला और पुरुलिया जिला है, जिस वजह से धनबाद जिला के उत्तर से पश्चिम भाग की ओर झारखंड का जामताड़ा जिला, उत्तर से पश्चिम भाग की ओर झारखंड का गिरिडीह जिला, पूर्व से दक्षिण भाग की ओर पश्चिम बंगाल का वर्धमान जिला और पुरुलिया जिला, पश्चिम भाग की ओर झारखंड का बोकारो जिला से घिरा हुआ है। धनबाद जिला का इतिहास देखा जाए तो इस जिले को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह जिला कोयले के खदानों के लिए काफी मशहूर है। धनबाद खदानों के लिए भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में जाना जाता है। धनबाद को कोयला के खदानों के लिए पूरे भारत में सबसे अमीर और धनी शहर के रूप में भी जाना जाता है। धनबाद जिला का नाम धनबाद क्यों पड़ा, कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है जो बता सके कि धनबाद का नाम धनबाद ही क्यों पड़ा। कुछ लोगों के मुताबिक धनबाद जिला का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, धन और आबाद। यह इलाका हमेशा से खनिज पदार्थों के लिए काफी धनी रहा है, इसी वजह से इस जिले का नाम धनबाद रखा गया है। धनबाद जिला के मुख्य नदी का नाम दामोदर नदी, मयूरक्षी नदी, बराकर नदी, कोयल नदी, बंसलोई नदी, स्वर्णरेखा नदी है। दामोदर नदी इस जिला की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। दामोदर नदी के किनारे पर बसा यह जिला झारखंड की राजधानी रांची से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर है और देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 1208 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। धनबाद जिला में एक तहसील, 10 ब्लॉक, 9 अंचल, 1 लोकसभा, 6 विधानसभा, 17 पुलिस स्टेशन, 195 डाकघर, 1 जिला अस्पताल, 191 बड़े छोटे अस्पताल, 1 नगर पालिका, 256 ग्राम पंचायतें और 1209 गांवों में बटा है। क्षेत्रफल की बात करें तो इस जिले का क्षेत्रफल 2075 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। धनबाद जिला में रहने वाले परिवारों की कुल संख्या 5,07,000 के करीब है। आबादी की बात करें तो धनबाद जिला की कुल आबादी 26,85,000 के करीब है, जिसमें कि पुरुष की आबादी 14,07,000 है और महिला की आबादी 12,78,000 है। इस जिले का औसत लिंग अनुपात 909 के करीब है, यानी कि 1,000 पुरुष पर 909 महिला है। इस जिले में हिंदू धर्म की आबादी 21,48,000 है, यानी कि 80% और मुस्लिम धर्म की आबादी 4,35,000 के करीब है, यानी कि 16.5% के करीब है। शिक्षा की बात करें तो इस जिले में इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मेडिकल और लॉ के कई सारे इंस्टीट्यूट और कॉलेज स्थित है, जिसके माध्यम से धनबाद जिला के वासी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धनबाद जिला में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ISM, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, KK इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज, पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज इस जिले के लिए एक खास केंद्र बना हुआ है। वैसे इस जिले की साक्षरता दर 74% के करीब है। धनबाद जिला के 26,85,000 की आबादी में 20,00,000 लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष 11,80,000 पढ़े लिखे हैं, लगभग 84% के करीब, और महिला 8,20,000 पढ़ी लिखी है, लगभग 64% के करीब है। जानकारी के लिए बता दें, धनबाद जिला में कुल मिलाकर 9 डिग्री कॉलेज, 116 इंटर कॉलेज, 1911 आंगनबाड़ी और 1990 स्कूल स्थित है। इस 1990 स्कूल में प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल भी शामिल है।
व्यवसाय की बात करें तो धनबाद जिला के आबादी के अनुसार इस जिले में 8,45,000 लोग काम करने वाले वर्कर हैं, जिसमें कि पुरुष और महिला दोनों शामिल है। इस 8,45,000 वर्कर में सरकारी नौकरी करने वाले, प्राइवेट नौकरी करने वाले, किसान और मजदूर भी शामिल है। इस जिले में काम करने वाले वर्कर यहाँ के आबादी के अनुसार लगभग 31.5% के करीब है। वैसे धनबाद जिला की मुख्य व्यवसाय खेती भी है। यह जिला काफी हद तक खेती अर्थव्यवस्था पर भी निर्भर करता है। इस जिले के मुख्य फसलों का नाम धान और सब्जियां यहाँ के मुख्य फसल है। धनबाद जिले में कोयले की अनेक खदानें पाई जाती है। कोयले के अलावा इन खदानों में अलग अलग तरीके के खनिज भी पाए जाते हैं। धनबाद को भारत की कोयला राजधानी की नामों से भी जाना जाता है। यहाँ की खदानें धनबाद वासियों के लिए अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। धनबाद जिला लगभग 112 कोयला खदानों से घिरा हुआ है। इस 112 खदानों में कुल पैदावार 2,75,00,000 टन का होता है। कोयला कारोबार के माध्यम से लगभग 70 अरब रुपये का सालाना इनकम होता है। धनबाद में भारत कुकिंग कोल लिमिटेड कंपनी, टाटा स्टील कंपनी और इंडियन आयरन एंड स्टील जैसी कंपनी के अलावा कई और छोटे बड़े कंपनी इस जिले में स्थित है, जिसके माध्यम से आसपास के लोगों को रोजगार मुहैया प्रदान करवाता है। टूरिस्ट स्थलों की बात करें तो झारखंड का धनबाद जिला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह भरपूर और मशहूर है। इस जिले के टूरिस्ट स्थलों में शुमार मैथन डैम, पंचेत डैम, बिरसा मुंडा पार्क, भटिंडा झरना, कल्याणेश्वरी मंदिर, शक्ति माँ मंदिर, बैंक मोड़, झरिया और इस जिला के डिगवा डिग वाले चिमनीसा बाबा की मजार शरीफ जैसे कई महत्वपूर्ण नामों से लोग वाकिफ होंगे। धनबाद जिला सड़क और रेल के माध्यम से झारखंड के अलावा भारत के अलग अलग जिलों के साथ अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इस जिले के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 2 और नेशनल हाईवे संख्या 32 गुजरती है। यह जिला बस के माध्यम से भी यात्रियों को पड़ोसी जिला के साथ साथ शहर के छोटे बड़े गाँव तक बस सेवा मुहैया कराती है। धनबाद जिला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम धनबाद रेलवे जंक्शन और गोमो रेलवे स्टेशन है, जो हावड़ा दिल्ली ग्रैंड क्रूड लाइन पर स्थित है। ये दोनों स्टेशन इस सेंट्रल रेलवे जोन के धनबाद रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आता है। दोस्तों, धनबाद जिला के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।